अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला उद्यमी, समाज सेवी, महिलाओं, शिक्षा जगत में सेवा देने वाली मातृशक्ति का विदिशा चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं वुमेन पावर क्लब के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले 7 मार्च द प्राइड होटल में उन सभी महिलाओं का सम्मान वुमेन पावर क्लब की ओर से सीमा सेठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग केट जयपुर, IAS अंजू भदौरिया, अंशु गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष केट भोपाल द्वारा सम्मान सभी का सम्मान किया गया। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। आज महिला दिवस पे देश की और विदेश की सभी महिलाओं को नतमस्तक, बहुत बहुत शुभकामनाएं और खास करके विदेशा की हर एक महिला को मेरी बहुत सी शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए मेरा साथ, मेरी दुआएं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है रवि जी का, रवि जी की टीम का और यहाँ की वुमेन विंग की टीम का। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं महसूस हुआ कि मैं 600 किलोमीटर दूर से चल के आई हूँ, मुझे यहीं पे जयपुर मिला और मेरी थकान एकदम से दूर हो गई जब मैंने यहाँ पे साक्षात पिंक सिटी देखी पिंक साड़ियों में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सब अनेकता में एकता को लेकर के चलते हैं और आज हम सब एक हैं, मुट्ठी हैं और हम सब एक होकर के महिलाओं से बस मेरी इतनी सी एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, अपने घर के हर इंसान को आत्मनिर्भर बनाइए, अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाइए, शिक्षित बनाइए और हमें सेव गर्ल चाइल्ड और एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए देश की GDP को बढ़ाना है। हमें अपने घर के, परिवार के उद्योग में हाथ बढ़ाना है, पति के काम में हाथ बढ़ाना है। विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और पावर वुमन कैट क्लब की ओर से आयोजित महिला दिवस पर इस कार्यक्रम में विदिशा की उन ऊर्जावान, सशक्त और आत्मनिर्भर महिलाओं का सम्मान किया गया है। वो महिलाएं जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में और बहुत सारी अलग अलग क्षेत्र में अपने कार्यों से पूरे समाज को लाभान्वित कर रही हैं, उन महिलाओं के सम्मान करने के माध्यम से हमने विदिशा की उन महिलाओं को जागृत और प्रेरित करने का प्रयास किया है, जिससे कि वो महिलाएं जो अंतिम पंक्ति में हैं, जो समाज की अब मेन मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाई हैं, वो भी आगे होने के लिए जागृत हों। तो वुमेन पावर केट क्लब की सभी महिलाओं और विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्रुप के सभी सदस्य